हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऐश्वर्या। और मैं हितेश। आज के वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन किए थे जो मुझे अच्छे लगे, या फिर जो भी बेसिक से क्वेश्चन थे उनके आंसर आज हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की बात करें तो जापान में भी कोरोना वायरस है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है। यह अभी 21 मार्च तक चलेगी, 21 मार्च तक। तो इसमें आप भी मतलब अगर बाहर निकले तो सतर्क होकर निकलिए और आपके मास्क वगैरह पहन कर निकलिए, हाथों को सैनिटाइज करके निकलिए और तो ध्यान रखिए आपका। कोरोना वायरस अभी चल ही रहा है सब दूर, तो सभी लोग ध्यान रखिए अपना अपना। और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या काम करते हैं आप? मुझसे ये पूछा किन्हें है पूछा है? ये मुझसे पूछा है क्या काम करते हैं आप। तो अभी मैं जॉब तो नहीं कर रही हूँ, अभी थोड़ा जापनीज कल्चर को समझ रही हूँ, देख रही हूँ और जापनीज स्टडी कर रही हूँ मैं खुद से। अभी तो मतलब सिंपली मैं बोलूँ तो वो कल्चर के बारे में सीख रही है कि जापान में कल्चर क्या है, कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, उनके बारे में भी स्टडी कर रही है। हाय, टोक्यो में आपकी जॉब है या हस्बैंड की? हस्बैंड की जॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं हस्बैंड जो इंडिया वालों ने जापान भेज दिया? आपके द्वारा शूट किए हुए भी सारे वीडियो और भी वीडियो भेजना, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी सारे वीडियोस की, तो आप वहाँ पे चेक करके देख लीजिएगा। जॉब की तो बात करूं तो ऐसे तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं जापान में। जॉब करने के लिए आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर वाली जॉब ज्यादा होती है, तो भेजा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो। मैं पहले इंडियन कंपनी में काम करता था, उसके थ्रू जापान आया। अगर आपके पास कोई सी जापानीज कंपनी में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप उस कंपनी के थ्रू भी आ सकते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंसी भी यहाँ पे होती है जो जॉब के लिए सपोर्ट करती है, उसके हिसाब से आप आपका फ्यूचर प्लान कर सकते हो। आप डायरेक्ट आपने सर्च की थी जॉब या कंसल्टेंसी के थ्रू हुआ मेरा था इंडिया तो से? कैंपस सिलेक्शन हुआ था ना कॉलेज से, तो वहाँ से मैंने अहमदाबाद काम किया 1.5-2 साल। उसके बाद मैं जापान आया, यहाँ पे काम किया, फिर मैं उसके बाद मैंने दूसरी नई न्यू जापानीज कंपनी ज्वाइन करी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे मंडलोई जी की सैलरी कितनी है? सैलरी है, खाने पीने की है और क्या, खर्चा चल जाता है। तो फिर भी मतलब बेसिक सैलरी कितनी होती है जापान में? अगर डिपेंड करता है, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, जस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने तो, और अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो कुछ 1.5 लाख रुपीस से 2.5 लाख रुपीस तक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। ऑब्वियसली ओके, वो कंपनी पे भी डिपेंड करती है आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मतलब बेसिक सैलरी जो 1 लाख समथिंग मान के वन के चलो समथिंग आप मान सकते इंडियन हैं, रुपीस हाँ, में। बट उसके हिसाब से पे खर्चा भी बहुत होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इतना सारा सैलरी मिल रहा है तो आपकी सेविंग ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स भी लगती है, आपका घर का खर्चा, खाने पीने का, ग्रोसरी का, और ये यूटिलिटीज बिल, पानी का, बिजली का, ये भी बहुत लगता है। तो अगर आप मान के चल रहे हैं तो वो गलत है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्लान करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी टाइम क्या हो रहा है वहाँ? ये क्वेश्चन तो पता नहीं कब पूछा था, बट अभी टाइम हो रहा है 7:30 PM हाँ, शाम अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और शायद इंडिया में 4 बज रहे होंगे, है ना। हाँ, टाइम डिफरेंस की बात करें तो 3.5 आवर्स। 3.5 घंटे का अंतर है। जापान को निहोन भी बोलते हैं, मतलब जहाँ पे सूरज सबसे पहले निकलता है, तो हमारे यहाँ पे 3.5 घंटे से डिफरेंस जो है 3.5 घंटे आगे चलता है जापान, एक्सेक्ट 3.5 घंटे। आप इंडिया कब आएगी दीदी? अभी तो देखिए, आने को तो ऐसे आ सकते हैं, बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कोरोना की वजह से, है
है ना, फ्लाइट्स भी बहुत कम चल रही है। फ्लाइट्स तो ना के बराबर है, और इंडिया हाँ ने सारी इंटरनेशनल फ्लाइट बैन कर रखी है अभी फिलहाल, तो सिर्फ एक वो एयर सुविधा चल रही है। तो एयर सुविधा में क्या है कि आप एयर इंडिया के थ्रू जो उन्होंने डिसाइड किया स्केड्यूल, उसके थ्रू आप ट्रेवल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी समय नहीं है ट्रेवल करने का, और ठीक वो है, एक्सपेंसिव भी है। ओके, तो वेट करते हैं। वेट करते हैं, और क्या अच्छी जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब जाएंगे। ओके, जापान में हम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते यू हैं। आर बिल्कुल। वेलकम। कैन आई आस्क हाउ आई कैन गेट जॉब वीजा फॉर जापान, एंड डू आई रियली नीड टू लर्न जापनीज, एंड व्हाट ऑल नीडेड ओवर देयर? अभी वो तो भैया डिपेंड करता है, जैसे कि आप कंसल्टेंसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है। आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं, इंडीड पे सर्च कर सकते हैं, ग्लास डोर पे देख सकते हैं, तो उसके थ्रू आप जापान आ सकते हैं। बाकी आपकी उस पर भी डिपेंड करता है, आपको स्टूडेंट का वीजा चाहिए या फिर जॉब का वीजा चाहिए, आपका पर्पस क्या है। फिर जापानी सीखने की बात रही, तो अब जापान में ऐसा माहौल है कि इंग्लिश का कल्चर थोड़ा है, बट इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, तो उस समय में फिर जापनी सीखना जरूरी हो जाता है अगर आप किसी जापनीज कंपनी में काम कर रहे हो तो। नहीं तो आप उनसे बातचीत नहीं कर पाओगे, उनके स्पेसिफिकेशन नहीं समझ पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, तो उन कंपनीज में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आसपास कुल कितने भारतीय लोगों के घर हैं? अच्छा क्वेश्चन है। आसपास यहाँ पे अभी पास में फुचू सिटी है, यहाँ पे कुछ इंडियंस रहते हैं। बाकी टोक्यो की बात करें तो रहते होंगे शायद 50-60 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता है, बट रहते हैं, बहुत सारे लोग बट रहते हैं। ज्यादातर तो निशिकासाई हाँ, यहाँ और पे इंडियन कम्युनिटी एक, बना रखी है निशी कासाई में, तो निशी कासाई, ओजीमा, उधर के एरिया में इंडियंस हाँ ज्यादा हैं। ज्यादा है, उसको लिटिल इंडिया भी बोलते हैं यहाँ पे हाँ, जापान में। जापान का लिटिल इंडिया। हाय, अगला वीडियो कब डाल रहे हो? बस ये रहा अगला वीडियो, और क्या डाल देंगे, अब हाँ, और और मैं डिपेंड ट्राई, करता है टाइम पे। हाँ एक्चुअली बाहर घूमने नहीं जा पा रहे अभी हम लोग, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ घर से ही आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस अपलोड करते रहूँ, तो ट्राई करूँगी। घूम सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी चल रही, तो हम अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना। इंडियन फूड मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, हमारे घर के पास एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट भी है, हम वहाँ पे एक बार खा चुके हैं। बाकी कुछ इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ आसपास फेमस जो स्टेशन हैं उनके आसपास जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो उनके टेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस है। मतलब खाए हैं, इंडिया में भी खाए हैं, लेकिन मज़ा आ जाता है इंडियन फूड खाने में रेस्टोरेंट में जाके। बाकी ग्रोसरी की बात करें, वो तो सारा इंडियन स्टोर में मिल जाता है सामान आपको, इंडियन तो घर पे ग्रोसरी, आप पूरा खाना बना सकते हैं इंडियन फूड, है हमारा ना? तो पूरा शुद्ध शाकाहारी घर पे ही बनता है, यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी है, तो हम सामान ऑर्डर कर देते हैं। हमने एक दो बार इंडिया से पार्सल भी बुलवाए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि घर का कुछ अगर याद आ जाता है कि घर के पापड़ चाहिए या फिर कुछ मिक्सचर चाहिए, तो उसके लिए हम पार्सल बुलवा लेते हैं। बाकी हमारा जो गेहूँ, आटा, चावल ये रहता है, तो यहाँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी नाइस मैम, विच इज द बेस्ट सिटी टू विजिट इन जापान, एंड कैन आई सर्वाइव इन जापान विथ इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन सर्वाइव। एंड विच इज द बेस्ट सिटी टू विजिट इन जापान? अगर आपको मतलब ज्यादा लोग वाली भीड़ भाड़ वाले इलाके पसंद है, टोक्यो, ओसाका, क्योतो, ये वाले एरिया है ना, ज्यादा फेमस है। बट लेकिन अगर आपको शांत इलाके पसंद है, जहाँ पे ज्यादा मतलब क्राउड नहीं होना, ज्यादा शोर शराबा नहीं होना, या फिर एकदम वो नेचर वाला इलाका होना, तो उसके लिए है ना, आप उधर क्यूशू वाले एरिया में रह सकते हो, वो बहुत प्यारी जगह है, ऐसी नेचर वाली चीजों से भरपूर है। बाकी इधर ऊपर जाएंगे तो होक्काइडो, आओमोरी, ये वाले एरिया बहुत ब्यूटीफुल है, ठंडे ओ, हैं इधर ऊपर के एरिया, बट अच्छे एरिया है यहाँ पे। वेरी वेल एक्सप्लेन, ये किसी वीडियो पर कहा है। आई वॉन्ट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट जैपनीज लैंग्वेज लेवल, एंड वॉट इज द लेवल रिक्वायर्ड फॉर जॉब? वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मैं है ना, हम अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हाँ में मैं सिंपली कहूँ तो जापनीज का है। आप अलग अलग एग्जाम होती है, जिसमें फेमस एग्जाम होती है जो सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है, वो है JLPT।
JLPT के N5 से लेकर N1 के लेवल होते हैं, N5, N4, N3, N2, N1. तो N5 वाला जो होता है वो सबसे बेसिक होता है, और वो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है. तो उसके हिसाब से आप मतलब उसकी बुक्स भी आती है JLPT के हिसाब से, पूरे क्रैश कोर्स टाइप की, तो आप उसको पढ़ के जापनीज सीख सकते हो. मतलब बेसिकली 5 लेवल होते हैं जापनीज के, हाँ N5 से स्टार्ट होता है। मैं भी अभी N5 की लर्न कर रही हूँ और N1 तक जाता है ये। हाँ JLPT सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ऐसे JLPT की जैसे कुछ NAT समथिंग या NAS समथिंग, आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गया, लेकिन उस होता है. तो JLPT ज्यादा प्रिफर करते हैं लोग. ओके, और विच इज द बेस्ट लेवल रिक्वायर्ड फॉर जॉब? जॉब के लिए मिनिमम क्या लेवल होना हाँ चाहिए? अभी देखिए भाई, JLPT N5 N4 की बात करें तो ये आपको आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं जो डेली आप टॉक करते हैं, आपका कन्वेनियंस स्टोर से सामान लाना, बाहर सुपरमार्केट से खरीद के लाना, कुछ भी बिल भरना, बातचीत करना, ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है. लेकिन अगर आप कंपनी में जाएंगे जहाँ आपको आपके बड़े बड़े स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, उसको देख के आपको कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, या फिर आपको कुछ उसका आपका टास्क करना है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आपको बात करना है, और जो वो होता है ना स्पेशल, क्या बोलते हैं कि स्पेशल लैंग्वेज में बात करना, वो स्पेशल लैंग्वेज क्या मतलब बिजनेस लैंग्वेज में, तो वो बिजनेस लैंग्वेज का अलग कोर्स होता है, बट नॉर्मली वो बिजनेस लैंग्वेज को समझने के लिए मिनिमम N3 लेवल रिक्वायर है मेरे हिसाब से, जो मेरे को फील होता है. तो N3 N2 लेवल तक आपको शायद आना चाहिए, उसके बाद आपको आपके लिए ईजी रहेगा काम करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो, आई एम डेवलपर एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन जापान। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट जॉब इन जापान? हाँ इसका तो मैं आंसर दे चुका हूँ कैसे जॉब देना है. तो आप किसी कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर लो, या फिर आप इंडीड या ग्लासडोर पे सर्च कर लो, या फिर बहुत सारी जापनीज रिक्रूट भी करती है अलग अलग फॉरेनर्स को, जैसे कि इंडिया में जाके कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं, तो उन कॉलेज के थ्रू भी आप आ सकते हैं जॉब करना यहाँ पे. तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले कंसल्टेंसी से कॉन्टेक्ट करना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, हमारे आंसर्स, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और और लाइक भी कर लेना भैया, और अगर आपको कुछ हाँ लगता है कि आपको मैं हम कुछ बता नहीं पाए इस वीडियो में, तो आप वो चीजें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. आपकी कोई से भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, जैसे कि जॉब से रिलेटेड, या फिर कल्चर से रिलेटेड, या फिर कुछ अलग क्वेश्चन हो जो हमने नहीं बता पाया लेकिन आप इंटरेस्टेड हो, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका आपके ओके, आंसर जरूर देंगे. तो आगे जब भी इस तरह के वीडियो बनाएंगे आपके क्वेश्चन हम ले लेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय. बाय।